हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रिजुविनेशन। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का। तो एग्जैक्टली सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में क्या क्या होता है, इसमें जॉब्स के क्या क्या स्कोप है, JEE के कौन कौन से टॉपिक्स अगर आपको आते हैं तो आपने सिविल इंजीनियरिंग कंसिडर करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देख लेना और वापस मैं कहूँगा कि ये एक टेंटेटिव रिव्यू है, इसको ही एक एंड डिसीजन कंसिडर मत करना, ठीक है? तो या लेट्स स्टार्ट टुडेज रिव्यू। ओके, तो नाउ लेट्स सी कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या हम देखते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं और एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट होगा तो आपने सिविल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए। तो या व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग? अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एंड नेचुरली बिल्ट एनवायरमेंट। ठीक है, फिजिकल एंड नेचुरली बिल्ट एनवायरमेंट क्यों? क्योंकि आपको आगे पता चलेगा कि हम बिल्डिंग्स वगैरह जो खुद से बनाते हैं हमें उसकी भी स्टडी करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो रिवर्स होती है, जो माउंटेन्स है, सॉइल्स है, इन सारी चीज़ों की भी स्टडी करनी होती है ताकि हम उनके ऊपर भी, जैसे डैम्स कंस्ट्रक्ट कर देते हैं हम, या हमें अगर रोड कंस्ट्रक्ट वगैरह करना है तो हमें इन सारी चीज़ों को भी पढ़ना पड़ता है जो नेचुरली बिल्ट एनवायरनमेंट है वो। ठीक है, फिर पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियर्स कंसीव, डिजाइन, बिल्ड, सुपरवाइज, ऑपरेट, कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड सिस्टम इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग रोड्स, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, टनल्स, डैम्स, ब्रिजेस एंड सिस्टम्स फॉर वाटर सप्लाई एंड सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी आती है सिविल इंजीनियरिंग वाले डोमेन में। तो मोस्टली अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा है ना, पब्लिक सेक्टर वाली जो भी चीजें हैं, रोड्स, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, ब्रिजेस, तो ये ज्यादा होती है सिविल इंजीनियरिंग वाले डोमेन में। फिर देर आर नंबर ऑफ सब डिसिप्लिन इन सिविल इंजीनियरिंग, लाइक सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग टू रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑल साइजेस एंड लेवल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे सब डिसिप्लिन है, जैसे जियोटेक्निकल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन, और इन सब का थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा इन 4 सालों में, और फिर आप आगे जाके स्पेशलाइजेशन ले सकते हो इनमें से किसी भी एक चीज में। आगे बढ़ते हैं, हाउ, तो आपको पता ही है कि हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। तो करिकुलम देखते हैं, सबसे पहले आएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसमें हमारा बेसिक जो होता है फोर्स बैलेंस, टॉर्क बैलेंस, ये सारी चीज़ें होती है जो जनरल मैकेनिक्स हमारा होता है वो। फिर आएगा सॉलिड मैकेनिक्स, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा स्ट्रेस, स्ट्रेन, फेलियर, इलास्टिक लिमिट्स, ये सारी चीज़ें। फिर आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा विस्कोसिटी वाला कंसेप्ट। फिर आएगा बर्नौलीज थ्योरम, इन शॉर्ट जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके सारे फोर्स बैलेंस, प्रेशर वगैरह, बाय फ्लोइंग फ्लूइड, ये सारी चीज़ें आएगी फ्लूइड मैकेनिक्स में। फिर आएगा अप्लाइड हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग, इसमें ये होगा कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम सब अप्लाई करेंगे पाइपलाइंस और चैनल्स में। ठीक है, तो इसमें फिर और चीज़ें आती है, जैसे आपको बताया जाएगा कि अनस्टडी फ्लो में क्या होता है, स्टडी फ्लो में क्या होता है, फ्लड्स एक अनस्टडी फ्लो है तो उसमें कैसे कैसे फोर्सेस होते हैं, कैसे कैसे उसमें इंजीनियरिंग लगती है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी ताकि इसका कंस्ट्रक्शन में और यूज हो पाए, है ना। फिर आएगा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, इसमें आपको बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है वो कैसे बनाया जाता है, जैसे आईफिल टावर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। फिर आएगा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, इसमें सारे जो नेचुरली ऑकरिंग चीज़ें हैं जैसे सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, इन सब की इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, ही मेंशन कि सॉइल इज एन इंटरेस्टिंग थिंग क्योंकि इट कैन बिहेव एज अ फ्लूइड एज वेल एज अ सॉलिड, तो ये सारी चीज़ों की जो इंजीनियरिंग होती है वो पढ़ाई जाती है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में। और बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन में पढ़ाया जाता है आपको कि जो भी चीज़ें होती है जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, जैसे कॉन्क्रीट हो गया, सॉइल्स हो गई, रॉक्स हो गए, या आयरन बार, स्टील्स, ये सारी चीज़ों का जो स्टडी होता है वो आता है इस टॉपिक में। फिर आगे बढ़ते हैं JEE टॉपिक्स, तो ये होगा कैलकुलस, फ्लूइड डायनामिक्स, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, मैकेनिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी थोड़ा आगे आता है लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं मेजर कंपनीज जो हायर करती है सिविल इंजीनियर को, तो टाटा प्रोजेक्ट्स, DLF, LNT, HCC, पंच लॉयड, यूनिटेक, लैंको एंड गैमन, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ और नोट करने लायक है, लाइक मोस्ट ऑफ माई सिविल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स मैंशन कि जॉब्स बहुत कम होती है या रिक्रूटमेंट बहुत कम होती है अनलेस यू हैव ए MTech और ए PhD डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग।
तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हो तो यू हैव टू कंसिडर गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर स्कोप क्या क्या है। तो यू कैन बी ए जियो टेक्निकल इंजीनियर, यू कैन बी एन इन्वायरमेंटल इंजीनियर, यू कैन बी एन अर्बन प्लानिंग इंजीनियर, और यू कैन बी एन आर्किटेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है सिविल इंजीनियरिंग में। फिर देखते हैं फर्दर स्टडीज क्या क्या है। तो एयर ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग, इसमें बस ऐसा होता है कि आपको आएगा आगे कोर्सेस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, तो आपको सारी चीजों का भी मतलब डिमांड का भी देखना पड़ता है कि रेलवेज की स्टडी करनी होती है आपको, आपको एयरवेज वगैरह की भी स्टडी करनी होती है, तो एयर ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग उसमें से भी उसमें से ही एक चीज है। मुझे ज्यादा नहीं पता है इसके बारे में, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा। फिर आएगा स्ट्रक्चर्ड इरिगेशन नेटवर्क, इसके बारे में आपको पता होगा कि एग्जैक्टली हम इरिगेशन में और कैसे अच्छे वे में हम कर सकते हैं। फिर आता है रिवर मैकेनिक्स, इसमें आता है डैम वगैरह बिल्ड करना या ब्रिजेस वगैरह बिल्ड करना। फिर आता है सॉइल नेलिंग, सॉइल नेलिंग वगैरह वो होता है कि अगर कोई स्टीप स्लोपिंग सॉइल है तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल स्लाइड वगैरह या रॉक स्लाइड वगैरह होने से। फिर आता है इंजीनियरिंग मॉडलिंग ऑफ अर्थक्वेक सोर्स, इसमें हम अर्थक्वेक वगैरह की स्टडीज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल वर्कलोड आई से इट इज 8 आउट ऑफ 10, बिकॉज माई फ्रेंड्स मेंशन की सिविल इंजीनियरिंग में जो असाइनमेंट्स वगैरह होती है वो काफी टफ होती है, जैसे फील्ड असाइनमेंट्स वगैरह होती है, आपको किसी फील्ड को विजिट करना होता है, तो वो बहुत टफ होता है। अब देखते हैं आगे, बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट कॉलेजेस आर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास एंड IIT कानपुर। तो ये चार कॉलेजेस हैं जो काफी अच्छे हैं फॉर सिविल इंजीनियरिंग। दैट्स इट। ओके, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा नेक्स्ट एम है कि हम 1K सब्सक्राइबर्स पहुंच जाए बहुत ही जल्दी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मेक श्योर कि आप जो बचे हुए 3 वीडियोज़ मैंने आज डाले वो भी देख लेना, और कल हम और 4 वीडियोज़ डाल देंगे, तो सारे सारी जो सीरीज़ है ब्रांच रिव्यू वाली वो ख़त्म हो जाएगी कल तक, या मैक्स टू मैक्स परसों तक। तो या दैट्स इट, बाय।